उत्तर प्रदेश की एटा लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। 2014 के चुनाव में यहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। एटा में मशहूर सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऐसे में ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। कानपुर और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सटे एटा में पहला चुनाव कांग्रेस ने जीता था, लेकिन उसके बाद यहां से हिंदू महासभा ने भी 1957 और 1962 में जीत दर्ज की थी। हालांकि उसके बाद 1967 और 1971 का चुनाव जीतकर कांग्रेस ने यहां से वापसी की, लेकिन 1977 में चली कांग्रेस विरोधी लहर में चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। 1980 के हुए चुनाव में यहां से आखिरी बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 1984 में लोकदल के जीत दर्ज करने के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 1989, 1991, 1996 और 1998 में जहां भारतीय जनता पार्टी के महकदीप सिंह शाक्य ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, 1999 और 2004 एटा से लगातार दो बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। 2009 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर यहां से चुनाव लड़ा और जीत कर दिखाया। पिछले चुनाव में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को टिकट मिला। राजवीर सिंह ने दोगुने अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मात दी। जातीय समीकरण के अनुसार एटा का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। एटा क्षेत्र में लोध, यादव और शाक्य जातीय बहुल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 16 लाख मतदाता थे, जिसमें से 8.5 लाख पुरुष और 7.2 लाख महिला मतदाता हैं। एटा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कासगंज, अमापुर, पटियाली, एटा और मारहरा विधानसभा सीटें शामिल हैं। बता दें, बीते साल 26 जनवरी 2018 को कासगंज में निकली तिरंगा यात्रा पर काफी बवाल हुआ था। यहाँ हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई। इस मुद्दे पर काफी राजनीतिक बवाल भी हुआ था और राज्य की योगी सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी।